So hello guys, this is Suman Tripathi and welcome you all on our YouTube channel Diploma Trend. और काफी दिनों बाद आज हम अपने चैनल पे वापस लौटे हैं एक बेहतरीन टॉपिक लेके और एक बेहतरीन शख्सियत लेके. बार के एग्जाम के क्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास हैं हमारे आज के गेस्ट, हमारे सहपाठी, हमारे क्लासमेट मिस्टर आशीष वर्मा. और हमारे साथ है फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इंटरनेट प्रचार जो कि हमारे साथ सहपाठी हैं मिस्टर मनीष पांडे जी. आप दो लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष भाई, कांग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस भाई एग्जाम. और धन्यवाद आपने समय निकाला हम लोगों के लिए और इससे काफी बच्चों का लाभ होगा, इसलिए हमने चाहा कि अपने यूट्यूब चैनल पे इस चीज को लाया जाए. और आप हमारे सहपाठी भी हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे टिप्स वगैरह जो छात्रों को मिले आपके माध्यम से और हम उसका जरिया बने, ये अच्छी बात होगी. तो स्टार्टिंग करने का पर्पज यही था. सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमें थोड़े अपने बारे में बताएं, अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दें. तो मिस्टर आशीष. हेलो, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया. जैसा कि आप तो जानते ही हैं, मेरा नाम आशीष कुमार वर्मा है. मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया 2020 पास आउट. और जैसा कि आप बोले अभी कि मेरा सिलेक्शन हुआ है बीएआरसी एनआरबी तारापुर में, अभी जल्द ही हुआ है. जी जी जी, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि मिस्टर आशीष कुमार वर्मा, इनका बार्क सिलेक्शन हुआ है डिप्लोमा लेवल पे, जो एग्जाम था सितंबर में था. और हाँ, पूरी सिलेक्शन प्रोसेस जो थी वो दो स्टेप में थी. रिटर्न एग्जाम था जो कि मुंबई में ही था, एनआरबी ने ऑर्गेनाइज किया था. और जो इंटरव्यू था उसको भी मुंबई में ऑर्गेनाइज कराया गया था, मे बी एनआरबी में होगी, इसकी डिटेल आशीष भाई देंगे. तो अभी इंटरव्यू को, मतलब इस पूरे सेगमेंट को, इस डिस्कशन को हम अभी दो सेगमेंट में लेकर चलेंगे, रिटर्न पर्पज से भी और इंटरव्यू पर्पज से भी, कि मतलब रिटर्न की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं. तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि आपका जो 3 वर्षों का ये डिप्लोमा जो खत्म हुआ है 2020 में, इसमें आपने कैसे, मतलब आपका क्या अनुभव रहा है इन 3 वर्षों में और किस तरह से आपने तैयारी को अपने जारी रखा है इन 3 वर्षों के दौरान? देखिए, डिप्लोमा में तो पहले साल तो कुछ पता ही नहीं होता है कि हमें क्या करना है, कोई जानकारी नहीं, यहाँ तक कि बीआरसी वगैरह के बारे में नहीं जानती रहती है क्या होता है, कहाँ वैकेंसी आती है, कैसे क्या होता है. तो धीरे धीरे यहाँ पे आते आते सब सीनियर से और सबसे पता चलता है. तो फर्स्ट ईयर तो ऐसे निकल जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता. सेकेंड ईयर से थोड़ा सा वो होता है कि हाँ हमें कुछ पढ़ना चाहिए. तो सेकेंड ईयर से मेनली सब्जेक्ट भी हमारे इम्पोर्टेंट आते हैं, तो थोड़ा उस पर फोकस किया. और सब कहते, जैसे लोग बोलते हैं कि आप सेकेंड ईयर के दौरान ही ओपी गुप्ता या मतलब की लिटिल का ऑब्जेक्टिव भी तैयारी करो, तो ये करो ठीक है, लेकिन ये होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं भी बहुत कोशिश की लेकिन टाइम नहीं मिल पाता कि हम ऑब्जेक्टिव जो है उस दौरान कर लें. तो फिर तीनों ईयर जो डिप्लोमा का जर्नी रहा, तो सिर्फ डिप्लोमा का ही सिलेबस पढ़ने, उसका एग्जाम देने में ही उसी में ही पूरा बीत गया. उसमें कुछ एक्स्ट्रा तो प्रिपरेशन नहीं हो पाया है. उसके बाद जब डिप्लोमा पास आउट होके जब निकले तो लॉकडाउन भी लग गया था जी. तो घर पे ही थे, तो कुछ दिन तो ऐसे चला. फिर उसके बाद इसका एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, फॉर्म डाला, तो उसके बाद तैयारी स्टार्ट हुई. उसके पहले तो तैयारी कुछ हुआ नहीं था, ऐसे चल रहा था. उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ा और सारे जो भी अपने सिलेबस हैं नोट्स वो रिवाइज किया जी, जी, जी. और ऑब्जेक्टिव के लिए मैं क्या बोलते हैं, इंडिया बिक से प्रिफर किया था. इंडिया बिक से ऑब्जेक्टिव पढ़ा था. ओपी गुप्ता से भी पढ़ा जा सकता है, सेम है दोनों में, लेकिन बात यह है कि बुक पढ़ने में थोड़ा सा वो आजकल हो गया है कि बुक मोटी भी बुक है, उसे कैरी करके फोन है तो अपना जैसे भी लेट के कैसे भी आप आराम से पढ़ सकते हैं. तो इसीलिए मैं इंडिया बिक से प्रिफर किया था, उसी से मतलब ऑनलाइन का ऑनलाइन मीडिया से सर्वोत्तम इस्तेमाल आप ही ने किया है. हाँ, जो भी कह सकते हैं, क्योंकि बुक में देखिए, बुक तो ओपी गुप्ता जो है वो मोटी भी है, इसको हम प्रॉपर आप बैठ के ही अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि बहुत ज्यादा बुक को ओपन करके बैठ में जिसका हो पढ़ सकता है. लेकिन फोन में तो आप कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, किसी भी सिचुएशन में आप ओपन कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए. देखिए, ये टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल हुआ है. मेरे पास अब तो ये दोनों मेंबर जो है
ये ऑनलाइन मीडिया पे ही अपनी प्रेजेंस बनाए हुए हैं, और जैसा कि आशीष भाई ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से ही अपनी तैयारियों को पूरा कंप्लीट किया था। तो मैं मनीष से चाहता हूँ, कुछ इनके भी क्वेश्चंस हैं, मैं चाहता हूँ मिस्टर मनीष पांडे आप भी कुछ अपने क्वेरीज को रख सकते हैं, अभी मैं पूरे डिस्कशन को अभी आगे प्रोसीड करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आपका प्रश्न ले लिया जाए। मनीष, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन मिस्टर आशीष वर्मा जी, आपके सिलेक्शन से काफी खुशी हुई थी, और मुझे जहां तक लगता है कि हमारे बैच से आप पहले थे जिनका कहीं पर सिलेक्शन हुआ, और सबसे पहले हमें जो मौका मिला किसी को बधाई देने के लिए तो हमने आप ही को दिया था, तो इसलिए बहुत बधाई। और देखिए, सिलेक्शन होने के बाद सबके मन में सवाल उमड़ता होगा, जितने भी हमारे सहपाठी हैं, कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग अभी घर पे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक सबसे कॉमन सा सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जिस दिन आपको नोटिफिकेशन मिला कि हाँ आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप इंटरव्यू के लिए गए होंगे, आप इंटरव्यू से निकले होंगे, उसके बाद से आपके लिए रहन सहन की व्यवस्था कैसे थी, आप कैसे रहे उस बीच में, आपने किस तरह से आपको रूम अपॉइंट किया गया, कैसे, मतलब आप कह सकते हैं कि पूरी जर्नी बता सकते हैं ज्वाइनिंग से लेकर उस बीच में, आप क्या दिक्कतें सही, कैसे क्या कुछ था, क्या सुविधाएं मिली, कैसे? देखिए, रिटर्न में तो कोई सुविधा नहीं थी, आप जाइए एग्जाम दीजिए, अपना सेंटर पे चलाइए जैसे एग्जाम होता है, इंटरव्यू में भी उनके तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, आप जाइए, वो जैसे 10 बजे, जैसे मेरा रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे था, तो 12 बजे वहाँ पहुंचना था, तो वो साफ साफ भेज उसमें ईमेल किए थे कि आपको कोई अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, आप अपना खुद से करके आइएगा, तो कोई कुछ नहीं मिला था, आप वहाँ पे इंटरव्यू में ही 12 बजे हम लोग पहुंच गए थे, तो एक वहाँ वेटिंग रूम होता है, उसमें जाते हैं, तो वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तो उसके बाद नंबर लगता है एक लोग का, जिसका जैसे है मेरिट नहीं, लिस्ट वाइज था, जिसका जैसे नाम है, तो ऐसे एक एक लोग इंटरव्यू के लिए अलग चलता रहता है इंटरव्यू, उसमें एक एक लोग आप जाइए इसके लिए, तो कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया गया था। और अभी जो मेडिकल था, तो मेडिकल में तो दिए थे रिकमेंडेशन, दिए थे गेस्ट हाउस होता है उनका, तो आप जैसे अभी एक दो दिन पहले आप जा सकते हैं वहाँ गेस्ट हाउस, आप बताइए कि हमारे मेडिकल देने, तो आपको एक रूम प्रोवाइड कर देंगे, आप वहीं पे रहेंगे, कैंटीन वगैरह है वहाँ पे, आप वहीं पे सब कुछ है, अब चाहे तो अब रह सकते हैं ज्वाइनिंग तक, या ज्वाइनिंग में जैसे मेरे में टाइम था, मेरा 17 को मेडिकल हो गया था, तो ज्वाइनिंग के लिए 29 को बुलाया गया है, तो वो बोले कि आप रहना चाहें तो रह सकते हैं, और घर रहना चाहें जा सकते हैं, तो हम लोग घर चलाते हैं, घर चलाए। तो मनीष, अभी आपको आप प्रोसीड करिए आगे, तुमसे कुछ क्वेश्चंस लीजिए, और बाकी जी 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 मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अभी डिप्लोमा का आपने एक्सपीरियंस अपना साझा किया हम लोगों के साथ, मैं चाहता हूँ कुछ जो लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसमें काफी छात्र जो है डिमोटिवेट हो चुके थे, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था, उस दौरान अपने आपको मोटिवेशन कैसे, मतलब मोटिवेटेड कैसे रखा, और सेल्फ मोटिवेशन कैसे इंडक्ट किया कि मुझे प्रिपरेशन के थ्रू जाना है, और जैसे ही लॉकडाउन खुला पहला पेपर मुझे लगता है सितंबर में 12 का ही था, और आपने अच्छा स्कोर लाया, मैं चाहता हूँ लॉकडाउन में जो प्रिपरेशन किया था उसके बारे में छात्रों को बताएं। हाँ, लॉकडाउन तो डिसएडवांटेज था ही, तो वैसे भी तो हम लोग जैसे केमिकल इंजीनियरिंग का आप जानते हैं कि कहीं पे आप कोचिंग वगैरह, तो जैसे जेई का सिविल मैकेनिकल चलता है और सब चलता नहीं है, सिर्फ स्टडी ही करना है, तो लॉकडाउन को मुझे लगता है कोई फर्क पड़ना चाहिए कि केमिकल वालों को इससे कोई, क्योंकि सिर्फ स्टडी करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, और लॉकडाउन का बहुत इफेक्ट तो पड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ा है, क्योंकि लॉकडाउन तो सबके लिए था, कोई एक अकेले पर्सन के लिए था नहीं, तो कंपटीशन तो वही रहेगा, सबके लिए वही सिचुएशन है, तो उससे मुझे तो बहुत फर्क पड़ना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए उसके लिए। जी जी, जी। सबके लिए बहुत अच्छी चीज कही कि केमिकल के लिए तो वैसे भी कोचिंग वगैरह नहीं होते हैं। हाँ, तो स्टडी करना है, हाँ, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग भी हुए थे, हम लोग क्लासेस, जैसे कॉलेज की क्लासेस नहीं चल पाई, जैसे हम लोगों की भी कॉलेज क्लासेस, वो थोड़ा नुकसान हुआ, वो सभी का हुआ है। तो सर आशीष भाई, मैं चाहता हूँ कुछ की पॉइंट्स अगर आप दे सके, जैसे 3-4 ऐसे बिंदु जिन पे छात्र यदि फोकस करें तो अपने डिप्लोमा के सत्र के दौरान, जो 3 वर्षों का डिप्लोमा होता है, उनमें उन बिंदुओं पे ध्यान रखें, अपनी तैयारी रखें, और जैसे ही आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बार क्लियर किया ऐसे वो भी करें, तो मैं चाहता हूँ 3-4 ऐसे पॉइंट जिनको ध्यान रखें अपनी 3 साल की डिप्लोमा वो अपना कम्प्लीट करें। तो एक की पॉइंट तो क्या यही है कि पढ़ाई के दौरान जो अपने बेसिक्स हैं उसको आप तैयार रखें, जैसे बार के जैसे एग्जाम में, कोई भी रिटर्न एग्जाम में बेसिक तैयार करना बहुत जरूरी है, अगर बेसिक के बिना रिटर्न
ऑब्जेक्टिव साल को थोड़ा दिक्कत होता है जी। तो बेसिक को अपने कॉन्सेप्ट को तैयार करते चले, और तो और क्या कह सकते हैं, अगर कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा जाए तो आप छुट्टी अब डिप्लोमा इन केमिकल से थे, मैं पूछना चाहता हूँ केमिकल में उन सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जिनको ध्यान रखते हुए पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट है हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे पुटअप होते हैं रिटर्न में, और मास ट्रांसफर ऑपरेशन है, और सीआरई, थर्मोडायनेमिक्स, और एमओएसएससी भी क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन की लेवल कैसे रहते हैं, मतलब किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, और क्या मतलब अगर मतलब हम अगर स्टूडेंट हैं, अगर हम बुक के थ्रू जा रहे हैं तो हाँ। कैसे उन बुक को हम कवर करें पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, मतलब अनसॉल्व लगाना जरूरी है या फिर एग्जांपल के थ्रू जाएं, केवल फार्मूला बेसिस क्वेश्चन लगाएं या फिर कुछ ज्यादा डीप से पढ़ना पड़ेगा ऐसा कुछ? नहीं, बहुत ज्यादा डिप्लोमा को बड़ा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक जो है वो बेसिक तैयार करना है, सारे क्वेश्चन बेसिक से ही पुटअप होते हैं, तो बहुत डीप नहीं। न्यूमेरिकल भी अगर आते हैं तो बहुत एकदम फार्मूला बेस पे आते हैं, अगर आपको फार्मूला पता है सिर्फ फार्मूला बेस पे आते हैं, बहुत डीप न्यूमेरिकल भी नहीं देते हैं, तो बहुत डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक आप अगर तैयार कर रहे हैं तो ये सही रहेगा। और क्या लगता है कि कितने महीने की तैयारी, अगर लास्ट में थर्ड ईयर में कोई छात्र है तो कितने महीने की तैयारी लगेगी पूरी बार की तैयारी कर? बार की तैयारी मुझे लगे 2 से 3 महीने बहुत, अगर अच्छे से तैयारी करता है 3 महीने, अगर वो क्लासेस फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल वगैरह अपने अगर वो अपने कॉलेज के दौरान अच्छे से पढ़ाई किया है तो 2 से 3 महीने रिवाइज और प्रिपरेशन के लिए मुझे लगता है वो काफी है। वही हुआ भी है, मेरा भी बहुत ज्यादा तैयारी नहीं हो पाया, 2 से 3 महीने वही एग्जाम टाइम में फोकस हुआ अच्छे से, उसके पहले तो थोड़ा थोड़ा होता था। जी जी, तो कुछ की पॉइंट्स ये निकल गए कि अपने बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस लगाने हैं, एमटीयू, एसटीयू, सीआरई, एमओएसएच, एमआईएम, इन सब्जेक्ट पे मेनली फोकस करना है, और ओपी गुप्ता अगर हो सके तो हो सके, नहीं तो आप जो बताए इंडिया विक्स करके कोई एक प्रिफर कीजिए, आप 2-3 प्रिफर करेंगे तो उसमें आप कंफ्यूज रहेंगे, इसको पढ़े उसको पढ़े, तो उसमें एक भी नहीं हो पाएगा, कोई एक चूज कीजिए जो आपको अच्छा लगे। राम प्रसाद भी ठीक है, लेकिन राम प्रसाद में यह कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है तो थोड़ा सा सम क्वेश्चन मिल पाते हैं उसके एग्जाम में। और मैं ये दूसरा चीज जानना चाहूंगा कि जो अभी जो रिटर्न की बात थी, इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी रहेगी और कितने दिन के लिए, मतलब कुछ ऐसा है कि हमको 1-2 महीने या फिर उसमें भी, और गैप कितना रहता है रिटर्न इंटरव्यू के बीच में, और किस तरह की तैयारी करें? रिटर्न होता है, रिटर्न से 15 दिन के अंदर मोस्टली सारे बीआरसी के रिजल्ट आ जाते हैं, रिटर्न का रिजल्ट 15 दिन के अंदर आ जाता है, तो उसके बाद 1 महीने का लमसम 1 महीने का गैप रहता है, जैसे बीआरसी का हर बोर्ड का अलग अलग है, किसी में 1 महीने, किसी में 15 दिन, तो वो डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम 1 महीने का आपको गैप मिलेगा, उसमें 1 महीने आप अच्छे से अपना सिलेबस से पढ़िए, सिलेबस के से एक्स्ट्रा इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन नहीं खाते हैं, जो डिप्लोमा में जितना सिलेबस है उनको पता होता है, वहीं से क्वेश्चन सारे उठाते हैं। मैं चाहूंगा कुछ अपने क्वेश्चन जो आपको इंटरव्यू में पूछे गए थे, जो आपने फेस किया, मैं चाहता कुछ बताए यहाँ पे। हाँ, तो जैसे इंटरव्यू में सबसे पहले तो वहाँ पे वेट करते हो, नंबर आता है तो बेल बजाते हैं, तो बेल बजेगा तो आप अंदर जाइए, तो वहाँ पे अंदर गए, विश किए, तो मैम थी चेयरमैन, 6 से 7 कुल मेंबर थे वहाँ पे, तो बोले बैठे, तो बैठे, फिर मैम पूछी कि कहाँ से हो, तो बताया, फिर पूछी डिप्लोमा कहाँ से, बताया, तो पूछे कब पास आउट हो, तो भी बता 2020, तो कहीं और जॉब वगैरह कुछ कर रहे अदर स्टडी, बोला नहीं मैम, तो बोली कब आए यहाँ पे, तो मुंबई में कब आए, तो वो सब बताया, फिर पूछे कि अपना कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट बताओ जो अच्छे से पढ़ के आए हो, मैं बोला मास ट्रांसफर ऑपरेशन, तो उसके बाद मैम बोली हाँ ठीक है, अच्छा कोई ऐसा सब्जेक्ट बताओ एक जो केमिकल इंजीनियरिंग में, जो सिर्फ केमिकल इंजीनियर ही पढ़ते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में ही पढ़ाया जाता है, कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है जो अदर ब्रांच वाले नहीं पढ़ते हैं, तो मैं बोला हाँ मैम केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, करी हाँ तो वो पढ़े हो, मैं बोला हाँ मैं वो पढ़े हैं, तो ठीक है, तो बोली ये ठीक है, पहले आप मास ट्रांसफर से क्वेश्चन आपको पुटअप करते हैं, उसके बाद ये सब देखा जाएगा, तो फिर कोई क्वेश्चन तो पूछी, पहला क्वेश्चन यही कि मास ट्रांसफर का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, जी ड्राइविंग फोर्स वो बताया, फिर पूछे कि फिक्स लॉ सुने हो, मैं बोला हाँ मैम,
तो कह रहे हैं क्या होता है, तो बताने लगा कि बताओ मत, बोर्ड है वहाँ पे जाओ उसको लिखो, तो वहाँ पे व्हाइट बोर्ड लगा हुआ था मार्कर था, तो बोली मार्कर ले लो जाओ वहाँ लिख दो फार्मूला। तो फार्मूला लिखा जो, तो उसमें फार्मूला में पूछ रही है कि जैसे जे ए इज इक्वल टू माइनस डी ए बी डी सी अपॉन डी जेड होता है, तो पूछी कि जे ए क्या है वो बताया, फिर पूछी डी ए बी क्या है वो बताया, फिर उसके बाद फिर पूछ रहे हैं, पूछी मैम कि जो मास ट्रांसफर के इक्विपमेंट क्या क्या है, किस किस इक्विपमेंट मास ट्रांसफर कराया जाता है, कुछ इक्विपमेंट आप बता सकते हैं, तो वो बताया जैसे अब्जॉर्बर डिस्टिलेटर और सारे क्रिस्टलाइजर और कूलिंग टावर, तो लास्ट में कूलिंग टावर बोला, तो कूलिंग टावर से तुरंत से एक सर क्वेश्चन पुट अप किए, बोले कि अच्छा बताओ ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो तुरंत वहां से तो उसके बाद ह्यूमिडिटी बताया, तो मैम पूछ रही है कि अच्छा बताओ ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है जी। हाँ तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर वो बताया, फिर एक सर पूछ रहे हैं कि अच्छा बेड बल्ब टेम्परेचर जो होता है वो कहाँ पे यूज होता है, तो बेड बल्ब टेम्परेचर क्यों निकाल यूज कहाँ होता है, तो वो बताया कि कूलिंग टावर में यूज है, उससे बेड बल्ब टेम्परेचर लोअर कूलिंग टावर नहीं जा सकता है, तो कह रहे हैं ठीक है। फिर पूछे हैं कि मास ट्रांसफर से और क्वेश्चन पूछे होंगे फिर कुछ, हाँ तो इसके बाद हीट ट्रांसफर पे गए, फिर हीट ट्रांसफर हो गए, फिर मैम बोले कि जाओ हीट एक्सचेंजर बनाओ, तो गया हीट एक्सचेंजर बनाया, तो पूछी कि कौन सा हीट एक्सचेंजर बना रहे हो, क्या पास है 1112, मैं बोला कि 11 पास का, क्या ठीक है उसमें पूरा दिखा फ्लो गया, तो पूछी कौन सा फ्लो दिखा, को करंट या काउंटर करंट, मैं काउंटर करंट दिखाया था, बोला काउंटर करंट, कहे ठीक है, फिर कहीं इसको 12 पास करके दिखाओ, तो उसको 12 पास बनाया, फिर उसमें एक साथ से पूछे जो वर्टिकल लाइन जो फिगर में खींचे हो ये वर्टिकल लाइन क्या है, तो बताया मैं कि ये बफल्स है, कहना अच्छा, तो सर बोले कि अच्छा अगर अभी फ्लूड हाई प्रेशर से जाएगा तो ये बफर्स वगैरह जो है सब टेढ़ी हो जाएंगी, तो बोला हाँ सर टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए इसमें स्पेशल रिंग लगा होता है टाई रॉड पे, टाई रॉड मतलब हाँ टाई रॉड लगा होता है उसके ऊपर स्पेशल रिंग लगा जो बफर्स को सपोर्ट करते हैं, हाँ तो कह रहे हैं ठीक है, कहना अच्छा बताइए बफर्स का जो है कितनी कितनी दूरी पे लगाएंगे, मिनिमम या मैक्सिमम कितनी दूरी लगा सकते हैं, तो वो जैसे वो था मैं 0.2 बोलना था, तो वैसे मेरे निकल गया 0.2% पता था, 0.2% बोलने नहीं, सॉरी सॉरी सर 20% या 0.2 आउटर डाई ऑफ सेल, तो कह रहे हैं इनर डाई ऑफ सेल, कह रहे हैं हाँ सही है, तो उसके बाद पूछ रहे हैं कि क्या बोलते हैं इसका, हाँ कंडेंसेशन पूछने लगे कि कंडेंसेशन क्या होता है, ड्राप वाइज या फिल्म वाइज क्या होता है, तो उसके बाद वो बताया, तो कह रहे हैं कौन सा इंडस्ट्री में ज्यादा यूज कर, पहले पूछे किसमें हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है, तो बताया ड्राप वाइज ज्यादा होता है, तो फिर पूछे क्यों ज्यादा होता है वो बताया, फिर पूछे अच्छा इंडस्ट्री में कौन सा ज्यादा यूज करते हैं फिल्म में या ड्राप वाइज, तो मैं बोला फिल्म वाइज, तो मैम बोले फिल्म वाइज क्यों यूज करते हैं, कि ड्राप वाइज में हीट ट्रांसफर बोल रहे हो ज्यादा होता है सब कुछ ज्यादा है, तो क्यों उसका यूज करते हैं, तो फिर वही बताया कि मैम प्रॉब्लम ड्राप क्रिएट ड्राप वाइज कंडीशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, सरफेस को ऑयली बनाना पड़ता है और कुछ एडिटिव्स उसमें मिलाने पड़ते हैं फ्लूइड कंडीशन कराने के लिए, तो कह रही हाँ सही है, तो फिर पूछे कि जो हीट ट्रांसफर का जो इंसुलेटेड ट्यूब या फिल्म वाइज हीट ट्रांसफर होता है उसमें रेजिस्टेंस कौन कौन सा काम करता है ये बताओ, तो रेजिस्टेंस बताए से फिर एक कहीं फिगर बना के दिखाओ कैसे क्या का, तो उसका वाल का बनाया फिगर पाइप को वाल का, तो दोनों तरफ दिखाया कि आउटर साइड फिल्म का कोफिशिएंट है इंडर साइड फिल्म वाल का भी, तो कह रहे इसके अलावा और भी कोई रेजिस्टेंस काम करता है, तो मैं बोला हाँ सर काम कर रहे थे कौन सा, मैं बोला फॉलिंग फैक्टर का वो कहाँ रहेगा फिल्म के बाहर या अंदर, तो फिर उसको भी मैं बताया दिखाया, कह रहे हाँ हाँ ठीक है, फिर मैम बोली कि अच्छा बताओ कि इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालते कैसे हैं, तो ये मैम बोली कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, तो मैं 1/5U वाला टोटल फार्मूला लिखने लगा, तो एक फार्मूला टोटल प्रॉपर वाला, तो मैम कहे ये वाला ये नहीं कोई इसमें तो ओवरऑल पता होगा तब निकाल पाएंगे और कोई बताओ, तो मैं बोला विल्सन प्लॉट से,
मैम बोल रही है नहीं नहीं ये भी नहीं, बेसन प्राट से भी नहीं, और कुछ नहीं पढ़े हो, कोई डिटस बोल्टस ऐसा कुछ सुने हो? मैं बोला हाँ हाँ मैम, तुरंत याद आ गया। तो बोले कि, तो सर बोले कहे कि टर्बुलेंट फ्लो के लिए, हाई टर्बुलेंट फ्लो के लिए फार्मूला लिखो, तो डिटस बोल्टस का। तो वो मैं लिखा, तो उसमें उसमें पूछने लगे क्वेश्चन पॉइंट, जो पावर पॉइंट 6.4 रहता है, तो पूछे 0.6.4 क्यों लेते हैं, तो वो बताया हीटिंग कूलिंग के लिए। फिर सर बोले कि अच्छा लैमिनार फ्लो के लिए लिखो, तो लैमिनार फ्लो के लिए लिखा। उसमें भी पूछने लगे म्यू अपान म्यू एस लिखा था, मैं पूछी कि म्यू अपान म्यू एस क्या है, तो म्यू अपान म्यू एस के पावर 1.14 जो होता है, उसमें पूछे म्यू क्या है, तो बताया म्यू बल्क के डेंसिटी ऑफ फ्लूड है, और डेंसिटी एट द वॉल ऑफ फ्लूड, तो कहीं ठीक है। फिर उसके बाद फिर फ्लूड मैकेनिक्स हुए, फिर फ्लूड मैकेनिक्स से मैं पूछी न्यूटन फ्लूड क्या होता है, तो बता। फिर पूछी न्यूटन लॉ विस्कॉसिटी क्या होता है, और उसके बाद मुझे पूछ रहे हैं सर, पूछे कि फुली डेवलप फ्लो क्या होता है वो बताओ, ये सब बताया। तो फिर तब उसके बाद सीआरई पे तब गई मैम, तो सीआरई पे तो क्वेश्चन बताई कि पहले तो पूछिए फ्लूडाइट बेड क्या होता है वो बताओ, फ्लूडाइट बेड वो बताया। तो उसके बाद फिर से पूछ रही है कि सीएसटीआर और पीएफआर, इन सीएसटीआर और पीएफआर में क्या मेन डिफरेंस है, तो वो बताया। जैसे सीएसटीआर में बताया कि कंटिन्यूस स्टाइल टैंक रिएक्टर है, इसमें कंसंट्रेशन जो होता है रिएक्टेंट का प्रत्येक पॉइंट पे सेम होता है, और पीएफआर में पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है, तो कह रहे हैं हाँ ठीक है। फिर उसके बाद फिर बोले कि अच्छा बताओ कन्वर्जन किसमें ज्यादा होगा, अगर तो जैसे बोले कन्वर्जन किसमें ज्यादा होता है, जैसे सब इतने बोलते ही सब एक साथ जैसे बोले कि ठीक है ठीक है आपको इंटरव्यू हो गया आप जाइए, तो मैं थोड़ा घबरा गया क्या मैं बोल दिया कुछ, जैसे ये मैं एकदम 100% श्योर नहीं था, वही मैं वहीं पे सोचा कि जो जीरो ऑर्डर है तो ये कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करेगा, जो कंसंट्रेशन से डिपेंड नहीं करेगा, नहीं तो चाहे पीएफआर में हो चाहे सिस्टम में, तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए उससे। तो ये मैं बोला, लेकिन मैं उस टाइम में थोड़ा घबरा गया क्या बात था, अचानक सब लोग बोले जाओ जाओ, मुझे लगा कुछ गलत हो गया था। तुरंत आया बाहर तो फिर पता किया, गूगल किया तो पता चला कि हाँ नहीं नहीं सही हूँ, तो थोड़ा सा सुकून हुआ, ठीक है सही गया इंटरव्यू। और वहां मैं ऐसे निकलते टाइम पूछा भी सर से, सर फीडबैक दे सकता है, कह रहे हैं क्या पूछता है, सर इंटरव्यू कैसा गया, कह ठीक है ठीक गया है, ठीक है बाहर जाओ बाहर जाओ। तो जैसे कुछ बताना नहीं चाहे, हाँ बाहर जाओ। चलिए मतलब एक ओवरव्यू, मतलब आपका इंटरव्यू फिर भी आपका लंबा गया, हम लोग इतना वेट किए आप तो मतलब ठीक है, ये इसको फेस करना है बड़ी बड़ी बात। हाँ अभी तो अभी दोस्तों से क्वेश्चन क्वेश्चन बताए हैं आंसर, अभी कहाँ बताए हैं आंसर। हाँ नहीं ऑडियंस के लिए इतना बहुत इंपॉर्टेंट होगा मुझे लगता है, कहीं अभी किसी चैनल पे इस तरह से पूरा डिटेल में आप बहुत डिटेल में बताए, बहुत डिटेल में बताए। मैं चाहूंगा मनीष अपना शायद कोई इनका नेक्स्ट सीरीज था वो चाहे तो आप पुटअप कर सकते हैं। चूंकि आशीष भाई जानते हैं आप, मेरी उतनी अभी रुचि रही नहीं है केमिकल के सेक्टर में, बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं पेरेंट्स से या उधर से सजेशन लेके मैंने कंटिन्यू किया था केमिकल इंजीनियरिंग, लेकिन आपके जो इंटरव्यू को स्क्रिप्ट करके सुनाने का जो तरीका था, मैं अपने आप को फील कर रहा था उस चेयर पे, मेरे भी माथे से पसीना आने लगा था वाकई में। इंटरव्यू जो है घबराने वाली चीज है, थोड़ा सा हटके मैं क्वेश्चन आपसे करूंगा, चूंकि तारापुर न्यूक्लियर प्लांट जो है सी बीच पे है, सी के साइड में है आप जानते होंगे, तो वेदर वगैरह कैसा रहता है और वहाँ पे माहौल कैसा है आपके लिए, कैसा फील कर रहे हैं? हाँ नहीं वेदर तो वहाँ बहुत अच्छा है, उतना शहर से तो बाहर है तो उतना जैसे पॉपुलेशन भी उतना ज्यादा नहीं है, वहाँ का पूरा हरा भरा एरिया है, ज्यादा खुला एरिया है। हाँ केमिकल प्लांट के आसपास तो होते हैं हरे भरे हरा भरा एरिया बनाया जाता है कि पॉल्यूशन थोड़ा कम हो जाए उससे। हाँ हाँ तो पॉल्यूशन के लिए, क्योंकि बगल में एनपीसीआईएल भी है ना, तो दोनों अच्छा। एक ही में है दोनों, समझ समझिए करा से। हाँ तो दोनों बीआरसी एनआरबी और वो दोनों आपस में खटे हुए हैं। और प्लांट में जब आप वर्क के लिए जाते हैं तो वहाँ पे इम्प्लॉइज का बिहेवियर, अन इम्प्लॉइज जो है आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसा एनवायरमेंट है? अभी तो वर्क के लिए गए नहीं, केवल मेडिकल में गए थे तो। अच्छा अच्छा हाँ मेडिकल में गए थे तो मिले थे कुछ लोगों से, तो थोड़ा बहुत उतना था, अभी तो हुआ नहीं बातचीत, थोड़ा अभी आपका शुरू नहीं हुआ है रेगुलर? नहीं अभी अभी ज्वाइनिंग 30 को है अभी। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लग रहा था कि आप वर्क कर रहे हैं।
नहीं, गए थे। बाकी टेक्निकल टर्म में सुमन त्रिपाठी जी कुछ कही है? हाँ हाँ, मैं तो पूरे अभी अच्छा खासा क्वेश्चन है मेरे पास। सबसे ये एक मैं चाहता हूँ, एक आप बता दीजिए, ऐसे ही मैं चाहता हूँ, लोग जानना चाहते होंगे जॉब लोकेशन क्या है, आपकी पोस्ट क्या है, और सबसे जरूरी चीज सैलरी क्या है, सैलरी क्या है। ये शायद मैक्सिमम लोगों की रुचि होगी इसमें। जॉब लोकेशन तो ही तारापुर ही है, जो बोईसर है, बोईसर के पास है जी, जी। मुंबई से थोड़ा हट के है, पालघर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है महाराष्ट्र में ही जी, जी, जी। तो अभी सैलरी की बात है, तभी जैसे हम लोग का सिलेक्शन हुआ कैट वन स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग कैट वन पे, जिसमें 2 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। तो 2 साल ट्रेनिंग होता है, 6 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग होता है जिसमें क्लासेस चलता है, उसके बाद फिर 18 मंथ का ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। तो इसमें स्टाइपेंड मिलता है, जो फर्स्ट ईयर है तो 16,000 स्टाइपेंड है, और सेकेंड ईयर में 18,000 स्टाइपेंड प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद 2 साल बाद जॉब करेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट। अच्छा, साइंटिफिक असिस्टेंट मतलब आप जॉब? हाँ, साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट पे पोस्टिंग होगी इसके बाद जी। तो उसका पे 7 पे लेवल दे रहे हैं, 44,900 बेसिक पे प्लस अदर अलाउंसेस जो भी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। अच्छा, तो लगभग आपकी इंटरव्यू मुझे लग रहा है आधे घंटे के अराउंड गई होगी। हाँ, मेरा इंटरव्यू हाँ आधे घंटे का अराउंड गया था। आधे घंटे का अराउंड, तो चलिए ये तो हो गया, रिटर्न क्लियर आउट हो गया, कैसे क्या करना है, सब्जेक्ट फोकस करना है और इंटरव्यू हो गया। ये तो रही टेक्निकल चीज, फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है अभी, क्या मतलब भविष्य को लेकर क्या योजनाएं हैं अभी आपकी, इसमें लगे रहना है या फिर कभी कुछ और सोच रहे हैं आगे बढ़ने के लिए या फिर ऐसा कुछ? नहीं, जॉब के लिए तो जॉब तो वैसे जॉब कहीं और करने का तो कोई डिप्लोमा लेवल पे तो मुझे जहाँ तक पता है कि बेस्ट जॉब है बाहर निकलना, अपने आप बड़ी बात है, एक प्रेस्टीजियस जॉब है। हाँ, उसके बाद जैसे तो हायर एजुकेशन करना थोड़ा मतलब कि वो है कि हायर एजुकेशन करो बीटेक या कुछ भी, तो अब वहाँ पे अब बताते हैं कि किया जा सकता है विद परमिशन, तो अब जाएंगे। 2 साल तो कुछ नहीं किया जा सकता ट्रेनिंग के दौरान कुछ नहीं, अब 2 साल बाद भी अब देखेंगे वहाँ पे कैसे क्या है, परमिशन देते हैं हायर स्टडी के लिए, नहीं देते हैं अगर परमिशन देंगे तो शिक्षा नीति आई है शायद उसके रिगार्डिंग तो आप कर ही सकते हैं मुझे जहाँ तक, अगर वो लागू हो जाए। क्यों मनीष? मैं नहीं, पढ़ने में आपको कोई रोक नहीं है, उसमें तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी स्टडी, और काफी सारी हमको लग रहा है कि एजुकेशनल बोर्ड हैं जो कि डिस्टेंस में भी बीटेक प्रोवाइड करती हैं, तो वहां से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हो सके तो वो ओके। मनीष, आपकी कुछ क्वेरीज अभी बाकी है? हाँ, एक है कि वर्मा जी, अगर मान लीजिए कोई लड़का है जिसका मन नहीं लग रहा है केमिकल इंजीनियरिंग में, बट उसके पास और कोई ऑप्शन है नहीं कि वो कहीं और जाकर कंटिन्यू करे, तो की पॉइंट बता दीजिए कि किस किस सब्जेक्ट्स को पढ़े, और उतनी तैयारी उसके लिए बताइए जो कि उसके लिए अच्छी रहे कि वो बार फिर उसका सिलेक्शन हो जाए, कहाँ तक उसको पढ़ना चाहिए और क्या। अब काफी कुछ बता चुके हैं बट थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए इसको भी। नहीं तो बार में सिलेक्शन लेने के लिए तो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, वो तो हाँ, आपको मिनिमम 4 सब्जेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए मिनिमम 4, क्योंकि जो बीआरसी सिलेक्शन लेता है टोटल इंटरव्यू बेस पे लेता है, रिटर्न तो आपको क्वालिफाइंग रहता है, तो इंटरव्यू बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, तो इसीलिए आप कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट आपको अच्छे से तैयार करना होगा, सारे क्वेश्चन उसी से वो लोग। उसमें से हमको जानते लग रहा है कि कोर सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, जो क्वेश्चन तो कोर सब्जेक्ट से आएगा, आप बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं है, FM और CRE और थर्मोडायनेमिक्स भी क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे किसी किसी से तो पूछते हैं कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, 3 लिख दो 4 लिख दो, किसी से नहीं पूछते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मुझसे एक ही सब्जेक्ट पूछे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, किसी से पूछते हैं कि 3 सब्जेक्ट लिखो, किसी से पूछते हैं वहां जैसे मैं गया था तो बात किया और लोग कर रहे हैं कि किसी से बोलते हैं 3 सब्जेक्ट लिखो, कोई बुरा मुझसे बोला 4 सब्जेक्ट लिखो, तो ऐसे होता है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये कह नहीं सकते कि हाँ 3 सब्जेक्ट तो जरूरी है कि इम्पोर्टेंट पूछेंगे। जैसे इंटरव्यू पहले मैं भी ये सुनता था कि वहाँ पे पूछते हैं 3 सब्जेक्ट कोई अपना फेवरेट 3 सब्जेक्ट बताओ 4 सब्जेक्ट बताओ, तो वो पूछते हो हैं लेकिन सबसे पूछने कोई जरूरी नहीं है, तो अपने हिसाब से क्वेश्चन कर लेंगे जी। चलिए, तो मेरे तरफ से तो सारे क्वेश्चन लगभग कम्प्लीट हो चुके हैं, मे बी तरफ से भी हो गए होंगे। हाँ, हो गए हैं, बाकी काफी अच्छा रहा है सेशन।
अगर आप कुछ के लिए बोलना चाहते हैं आशीष भाई तो आप बोल सकते हैं, मैच में कुछ तैयारी के लिए या फिर बच्चों को कुछ टिप्स वगैरह जो भी। हाँ तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अगर अभी कॉलेज में हैं तो आप अच्छे से कॉलेज के जो अपने कोर सब्जेक्ट हैं उन सब पे फोकस कीजिए, अच्छे से उसको बेसिक हर चीज समझ पढ़िए, और कॉलेज के नंबर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते, मैं यही कहना चाहूंगा। तो वो बहुत ज्यादा मायने रखते है तो ठीक है, मतलब नंबर कम आता दुख होता है सबको, मुझे भी होता है, मुझे भी होता था लेकिन वो बहुत ज्यादा फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते, मैटर फ्यूचर, हाँ फ्यूचर को मैटर नहीं करते हैं। इसके लिए आप यही कि आप नॉलेज ज्यादा नॉलेज रखे और ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, पूरी बातचीत के दौरान आपने बहुत ही बखूबी से, मुझे लग रहा है ऑडियंस को शायद ये अगर सेशन देख ले तो उसके अलावा कुछ और जानने की जरूरत नहीं है, भारतीय एग्जाम के पैटर्न के बारे में कहीं और जानने की जरूरत नहीं है, बाकी जो की पॉइंट्स थे हमने और आपने डिस्कस कर लिए। एट लास्ट मैं फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपके सेशन के लिए, उम्मीद है और अच्छा करें और आगे जाए, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, अपने समाज का जो भी समाज से सोसाइटी से बातें हैं वो आगे बढ़ाएं। थैंक्स टू मिस्टर मनीष पांडे, आपने भी हमें वक्त दिया और ऑडियंस के लिए जो क्वेश्चंस शायद नॉन टेक्निकल क्वेश्चन जो थे आपने तो भी पूछ लिए और एक जर्नी को शेयर कर लिया आशीष भाई के साथ, तो थैंक्स टू बोथ ऑफ यू और मनीष पांडे आपको भी और आशीष भाई आपको भी। फ्यूचर का भी अगर मौका मिला तो मैं जरूर आप लोगों को फिर से कांटेक्ट करूंगा ताकि आप कुछ ऑडियंस के अगर क्वेरीज वगैरह हो तो वो जो पूछे वो आप उसका जवाब दें। अगर मैं ऑडियंस बोलना चाहता हूँ कि आपके पास कुछ क्वेरीज हैं बाहर के एग्जाम के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हम कमेंट बॉक्स में आशीष वर्मा जी रिप्लाई दे देंगे आपको जो भी क्वेरीज वगैरह होंगी, और मैं इनकी पर्सनल ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहे इनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो थैंक्स टू बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग दिस मीटिंग, थैंक यू वन सेकंड, वेलकम सर।